उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बकरीद और ज्येष्ठ गंगा दशहरा के मद्देनजर रविवार से बुधवार तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रिस्ट्रिक्शंस लागू हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि त्योहार के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। गंगा दशहरा जो कि आज रविवार को मनाया जा रहा है, जबकि बकरा ईद कल सोमवार को है। पुलिस के आदेश के अनुसार बिना विशेष अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक प्रार्थना, पूजा, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि असामाजिक तत्वों से लोक व्यवस्था को संभावित खतरे के मद्देनजर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे व्यक्ति शांति भंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर धारा 144 गौतम बुद्ध नगर आयुक्तालय में 16 से 19 जून तक लागू रहेगी। इसके अलावा सरकार विभिन्न आयोगों, परिषदों आदि की ओर से समय समय पर विभिन्न परीक्षाएं और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उन्हें अक्सर तय तारीख से कुछ समय पहले अधिसूचित किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय आवश्यक है। आदेश के तहत प्रमुख प्रतिबंधों में लोगों की बड़ी गैरकानूनी सभाओं पर रोक, सरकारी कार्यालयों के 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन का अनाधिकृत उपयोग, अनुमत सीमा से ज्यादा लाउडस्पीकर का उपयोग करना, विशेष रूप से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच शामिल हैं। इसमें कहा गया कि खुले क्षेत्रों या छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री जमा करना प्रतिबंधित है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश या इसके किसी भी हिस्से का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। आज आगामी त्योहारों को लेकर के हम लोगों का रूट मार्च चला है। इसमें इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर है, शासन स्तर पे भी आया है, लोकल स्तर पे भी जगह जगह पे मीटिंग्स किया है थाने लेवल पे, और इंडिविजुअल भी सब लोगों से संपर्क करके बताया गया है। जो भी है नियम कानून फॉलो करके करे ताकि पब्लिक का जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है या पब्लिक को परेशानी ना आए, बस इतना ही अनुरोध भी हमारा तरफ से रहेगा सभी पब्लिक को, जो नियम जो इंस्ट्रक्शंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मुख्यमंत्री के तरफ से हिसाब किया गया कि सड़कों पर नमाज भी पढ़ने दी जाएगी, तो तमाम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस है सबको, मेन पब्लिक को असुविधा ना हो उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे ही बताया गया है, उसको सब लोग समझ लें और उसको फॉलो करें, उससे सब अच्छा हो जाएगा। हाँ सर, पब्लिक को लेकर आज कुछ मार्च भी निकाला है, किस तरीके के निर्देश दिए, क्या तैयारी? सभी थाना प्रभारियों की तरफ प्रत्येक शाम को पैदल की जाती है, और क्योंकि बकरीद और गंगा स्नान का जो त्यौहार है कल वो आ रहा है, तो इसकी वजह से शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा और थाना प्रभारी के द्वारा आज विशेष तौर पर पैदल गश्त भारी फोर्स के साथ की गई है, और हमारे जितने भी संवेदनशील क्षेत्र है उनसे पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च कराया गया, और जिससे कि जो असामाजिक तत्व है उनको एक मैसेज जाए, संदेश जाए, और कोई भी किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना ना हो। अच्छा सर, तमाम लोगों से मीटिंग की है तमाम धमकी से, और जिस तरीके से कहा गया है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने जाएगी ना खुले में कुर्बानी, इसमें जो बकरीद की नमाज है वो पिछले वर्ष सड़क पे नहीं हुई थी, और इस वर्ष भी सभी लोगों से बात कर ली गई है, सभी लोगों के द्वारा ये बताया गया कि इसमें सड़क पर नमाज नहीं होगी, साथ ही साथ पब्लिक में यहाँ पे कोई कुर्बानी नहीं होती तो वो भी नहीं होगी, और जितने भी हमारे प्रिकॉशंस रहते हैं हर साल वो सब पुलिस के द्वारा लिए जा रहे हैं, और सभी लोगों से थाना स्तर से लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की मीटिंग भी पूर्व में कर ली गई है, और कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर मानता नहीं है कोई, सभी लोगों को इस पर संदेश दे दिया गया, जो भी कानून तोड़ने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की।